इंस्टाग्राम पोस्ट पर डालते हैं वी आर सेपरेटिंग, हम अलग हो रहे हैं, एंड ससुराल में नहीं रह रहे हो, वेयर इज द न्यू होम नाउ। शादी पे मेरी स्किन इतनी क्लियर थी बिकॉज मैं मेडिसिन पर थी। वन वीक इन टू दैट जॉब आई वॉज क्राइंग। एड्स भी आजकल कुछ ऐसे ही आते हैं कि मैंने एक लेजर का सेशन या मैं हेयर फ्री हो गई, ऐसा नहीं होता। यू एंड जीजू एज अ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड विच चेंज्ड आफ्टर बिकमिंग हस्बैंड एंड वाइफ। Welcome back to my channel. I hope you are healthy and happy wherever you are. Welcome from another new space. I think शादी के बाद पहले obviously मायके से ससुराल, उसके बाद ससुराल भी shift हो गया, so काफ़ी changes आ गए हैं life में। I am filming from my new mini sa studio room. So we are just shifted. वो पूरी life update आपको इस video में मिली जाएगी obviously, but yeah, this is my first ever official YouTube video in this tiny sa studio room. अभी कुछ भी setup नहीं है, मेरे front में अभी इतना सामान रखा है ना तो मैं दिखा भी नहीं सकती, खाली मैं corner ही use कर रही हूँ अभी because अभी धीरे धीरे हम सब कुछ सेट करेंगे। सो यार दिस इज गोइंग टू बी अ लाइफ अपडेट चिट चैट गेट रेडी विद मी सॉर्ट ऑफ वीडियो। मैं डेली बेसिस पे जो मेकअप लुक करती हूँ ना मैं वो क्रिएट करने वाली हूँ, एंड द सेम टाइम आई विल बी आंसरिंग योर क्वेश्चंस एज वेल बिकॉज आई थिंक शादी के बाद मैंने लाइफ अपडेट क्यों एंड ए नहीं किया। आई यूज टू डू दिस अलॉट ऑन यूट्यूब, मैं पहले बहुत करती थी, आपसे बातें करती थी, आपको आपसे बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करती थी। सो रिसेंटली मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी भी डाल दी कि पूछो जो पूछना है सेम ऑन यूट्यूब एज वेल। तो मैं जो भी आप सबके क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू माई करंट लाइफ, वॉट इज हैपनिंग इन माई लाइफ, उन सबके आपको आंसर मिल जाएंगे। सो या विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। फाइनली माई हेयर आर टाइड अप, मैंने बन बना लिया बिकॉज बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी और गर्मी है, मतलब वेदर राइट नाउ इन दिल्ली इज सो चिपचिप मैं बता नहीं सकती। सो और ज़्यादा ऐसे स्किन भी चिपचिप चिपचिप फील होती है। सबसे पहले स्किन केयर के साथ ही स्टार्ट करने वाली हूँ। अब क्या ना मेरी एक्ने प्रोन स्किन है, आप सबको पता है एक्ने आते हैं उसके बाद मार्क्स भी छोड़ के जाते हैं। मुझे सबसे ज़्यादा जो डीएम आते हैं ना इंस्टाग्राम पे, प्लीज़ कुछ ऐसा बताओ जो मेरे एक्ने पे वर्क करे, प्लीज़ कुछ ऐसा बताओ जो एक्ने के साथ मार्क्स भी वर्क करे। एक्ने हैं मार्क्स भी हैं, सो हम क्या यूज़ करना चाहिए। सो यूजली हम बोलते हैं एक्ने के लिए सैल्सिलिक एसिड लगा लो, मार्क्स के लिए नियासिनमाइड लगा लो। सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग टू प्रोडक्ट्स आई हैव वन प्रोडक्ट राइट हेयर विच हैज द पावर ऑफ बोथ ऑफ द प्रोडक्ट्स। सो अगर आपको एक्ने के इशू है साथ साथ आपको मार्क्स भी हैं, लाइक राइट नाउ मैंने काफ़ी ज़्यादा रिसेंटली मैंगोज खा लिए थे तो मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्रेकआउट्स हो गए। सो अभी मुझे यहाँ पे एक्ने है जॉ लाइन पर, प्लस मुझे पहले के यहाँ पर मार्क्स भी हैं। सो दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट इज लाइक परफेक्ट फॉर मी। आई एम टॉकिंग अबाउट द न्यू रेंज बाई डर्माको विच इज देयर सैलिसिनमाइड रेंज, जो अगेन स्पेसिफिकली बनी है एक्ने प्रोन स्किन के लिए। सबसे पहले इस रेंज में आता है इनका सैलिसिनमाइड एंटी एक्ने फेस वॉश विच हैज अ पावर ऑफ 2% सैल्सिलिक एसिड एंड 2% नियासिनमाइड। आई पर्सनली लव डर्माको के फेस वॉशेस बिकॉज ये जेल बेस्ड होते हैं तो मेरी ऑयली स्किन को बहुत अच्छे से सूट करते हैं, और ये भी एक परफेक्ट जेल बेस्ड फेस वॉश है जो काफ़ी अच्छे से फॉर्म होता है। आप देख सकते हो काफ़ी अच्छे से फॉर्म हो रहा है, जेंटली मेरी स्किन को क्लेंस भी कर रहा है। सैल्सिलिक एसिड भी ऑल नो एक बीटा हाइड्रोक्सी एसिड होता है जो एक केमिकल एक्सफोलिएटर होता है जो बेसिकली डीपली अनक्लॉग करता है जो भी पोर्स होते हैं, ब्लैकहेड्स होते हैं, ब्रेकआउट्स होते हैं, उसको रिमूव करने में हेल्प करता है। एंड देन इट हैज नियासिनमाइड विच इज वाइटामिन B3 जो बेसिकली सबसे बेस्ट इंग्रेडिएंट माना जाता है, जो भी हमें एक्ने के मार्क्स होते हैं, जो भी स्कार्स रह जाते हैं उस पर नियासिनमाइड बहुत अच्छे से वर्क करता है। सो ये फेस वॉश के अंदर आपको दोनों मिल जाएंगे। लेट्स मूव ऑन टू सीरम नाउ। यू गाइस नो आई लव डर्माको के सीरम्स, बहुत अच्छे से वर्क करते हैं मेरी स्किन टाइप पर ये। सो ये है इनका न्यूली लॉन्च सैलिसिनमाइड एंटी एक्ने सीरम, अगेन परफेक्ट फॉर ऑयली एक्ने प्रोन स्किन। इसमें भी आपको गुडनेस मिल जाएगी 2% सैल्सिलिक एसिड एंड 5% नियासिनमाइड की। इसका जो टेक्स्चर है वो काफ़ी प्यारा जेल बेस्ड टेक्स्चर है। द टेक्स्चर लुक्स लाइक दिस, आप देख सकते हो कितना पतला एकदम पानी जैसा ये टेक्स्चर है जो काफ़ी जल्दी स्किन में चला जाता है। सो मैं इसको फटाफट से लगाने वाली हूँ। आई एम गोना टेक फ्यू पम्प्स, दैट्स इट। ज़्यादा सीरम को भर के नहीं लगाना होता बिकॉज सीरम ज़्यादा एक कंसनट्रेटेड फॉर्म, इसको ज़्यादा मॉइस्चराइजर जितना नहीं लगाना होता। सो वॉट आई डू, हल्का हल्का लगाया एंड जस्ट डैबिंग इट इन टू माई स्किन लाइक दिस। लव द फैक्ट कि स्किन में बहुत जल्दी चला जाता है, कोई भी चिपचिपाहट नहीं होती, बिल्कुल भी हैवी ग्रीसी फील नहीं होता। तो मेरी जो ऑयली स्किन है ना उसके लिए भी एकदम परफेक्ट है, स्पेशली इन दिस वेदर कंडीशन जो अभी बारिश वाला मौसम चल रहा है। सो लव दिस वन। ऑल्सो डर्माको के प्रोडक्ट्स अब फ्रेग्रेंस फ्री हो चुके हैं, तो अगर आपकी स्किन हल्की सी सेंसिटिव फील करती है बिकॉज ऑफ दोज हाईली खुशबू वाले प्रोडक्ट्स, ये आपको सूट कर जाएगी बिकॉज ऑल देयर प्रोडक्ट्स आर फ्रेग्रेंस फ्री नाउ। इफ यू वांट टू बाय दिस प्रोडक्ट्स यू कैन ग्रैब इट फ्रॉम डर्माको'स ऑफिशियल वेबसाइट। आप मेरा कोड यूज कर सकते हो कशिका 2023 फॉर एक्स्ट्रा ऑफ। और एक और अच्छी बात होती है जो आप डर्माको से लेते हो, बिकॉज डर्माको हैज एम्पावर्ड 10,000 प्लस स्टूडेंट दिस ईयर विद देयर यंग साइंटिस्ट इनिशिएटिव, एंड एवरी टाइम यू बाय फ्रॉम डर्माको दे विल लिंक योर ऑर्डर टू अ चाइल्ड दैट दे हेल्प एजुकेट अलॉन्ग विद भूमि। सो काफी अच्छी इनिशिएटिव भी, आप शॉप भी कर रहे हो, आप एक एनजीओ का भी हिस्सा बन रहे हो, जितने भी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, सो प्लीज चेक कर लेना। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अ Q&A पार्ट। सो सबसे हॉट क्वेश्चन जो इस Q&A में बहुत लोगों ने पूछा हुआ है अलग अलग फॉर्म्स में, वो है आर यू गाइज मूविंग आउट फ्रॉम इन लॉज, देन वाई एंड वेयर आर यू शिफ्टिंग, देन समवन हैज आस्क्ड आर यू गोइंग टू शिफ्ट टू अ न्यू हाउस विद योर हस्बैंड और विदाउट योर इन लॉज,
आप ससुराल में नहीं रह रहे हो, वेयर इज द न्यू होम नाउ? वी आर शिफ्टेड फ्रॉम माई हस्बैंड्स एंसेस्ट्रल होम टू अ न्यू होम नाउ एंड विद इन लॉज. सो या विद इन लॉज आई शिफ्टेड बिकॉज इट्स जस्ट मी, माई हस्बैंड एंड माई फादर एंड मदर इन लॉ, दैट्स इट. बोथ माई सिस्टर इन लॉज आर मैरिड, सो दे लाइक वो कम इतना आती है, वो इतना नहीं आती. सो वी आर नॉट लाइक अ वेरी ह्यूज फैमिली, हम इतनी कोई बड़ी फैमिली नहीं है. वी आर लाइक अ हैप्पी स्मॉल फैमिली एंड आई ऑलवेज वॉन्टेड टू लिव विद माई लाइक प्रॉपर इन लॉज एंड ऑल. मैं कभी भी अलग नहीं रहना चाहती थी बिकॉज आई डोंट नो, आई हैव सीन थिंग्स इन द पास दैट डोंट इट लाइक द होल मैरिटल थिंग डजेंट वर्क आउट वेन यू लिव अलोन. बिकॉज जब आप अकेले रहते हो ना हस्बैंड के साथ, यू काइंड ऑफ फाइट अलॉट बिकॉज यू नो यू आर जस्ट इन द हाउस. यू एक्सप्रेस योर सेल्फ वेरी वेरी फ्रीली. मेरे साथ भी कभी कभी ऐसा होता है, वेन माई इन लॉज आर नॉट एट होम आई ऑफन हैव फाइट्स विद माई हस्बैंड. सो या ये मेरी एक सॉर्ट ऑफ मेंटालिटी बनी हुई है पहले से कि वेन यू लिव विद योर इन लॉज यू लिव इन पीस. लाइक थोड़ा सा शांति से सुख से चीज़ें जाती हैं. यू हैव अ प्रॉपर प्रोटोकॉल इन द हाउस बिकॉज जब घर में बड़े होते हैं आप चीज़ों को अच्छे से फॉलो करते हो. टाइम पर उठना, टाइम पर नाश्ता, टाइम पर खाना. अदरवाइज तो लव मैरिज में जब ऐसे मॉडर्न वाले कपल्स होते हैं ना तो चीज़ें काफ़ी क्योटिक हो जाती हैं. आई एम प्राइमिंग माई फेस. ये नायका का प्राइमर है जो सिलिकॉन बेस्ड है बिकॉज काफ़ी ज़्यादा पसीने आते हैं आजकल. सबसे पहले मैं प्राइमर ही लगा रही हूँ. आई एम स्किपिंग सनस्क्रीन बाय द वे. मैंने जो भी डर्मा होकर प्रोडक्ट्स यूज़ करे उसके बाद सनस्क्रीन यूज़ करना बहुत ज़रूरी है. लेकिन अब मैं घर में हूँ और शाम का टाइम है तो मैं सनस्क्रीन नहीं लगा रही. अगर मैं कहीं बाहर जाती हूँ मॉर्निंग टाइम में तो ऑब्वियसली मैं सनस्क्रीन लगाती हूँ. सो या कमिंग बैक टू द टॉपिक, वी हैव शिफ्टेड विद इन लॉज एंड एंसेस्ट्रल होम से शिफ्ट हुए हैं. तो या द होल प्रोसेस वॉज रियली टायरिंग. बट ह्यूज शाउट आउट टू मूवर्स एंड पैकर्स बिकॉज मूवर्स एंड पैकर्स जो काम करते हैं ना, मतलब आई हैव अ शॉक. वो आए सुबह सुबह और उन्होंने जो फटफट फटफट करके पैकिंग करी है ना, मतलब वो प्रो होते हैं. वो एक एक चीज़ को उन्होंने ऐसा पैक किया है. इनफैक्ट हमारी किचन की कोई भी चीज़ टूटी नहीं है. उन्होंने इतनी ब्यूटीफुल एक एक चीज़ को पैक किया है. इस घर में एक छोटा सा ऑफिस स्पेस जैसा बेसिकली एक ये स्पेस है पूरी, तो इट्स लाइक अ स्टूडियो रूम. आई एम यूजिंग दिस मार्स का ब्रश सेट, ये काफ़ी अच्छे लगते हैं. और फिट मी का फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ बिकॉज समर्स में सही रहता है, बहुत लाइट कवरेज देता है और एक्ने मार्क्स की भी एक अच्छी कवरेज मिल जाती है. लाइक इस साइड मुझे बहुत ज़्यादा एक्ने मार्क्स हैं, जस्ट कवर इट अप. ज़्यादा हाई कवरेज मेकअप नहीं करती मैं. एवरीडे बेसिस पर कभी भी हाई कवरेज मेकअप नहीं करती मैं. हल्का फुल्का बस ऐसे फाउंडेशन एंड ऑल लगा के छोड़ देती हूँ. दैट्स गुड बिकॉज इतना ही चलता है यार. ज़्यादा ओवर मेकअप अच्छा नहीं लगता. एंड आफ्टर मैरिज तो मैंने ज़्यादा ओवर मेकअप किया भी नहीं. आई डोंट नो, अब जब मेकअप कॉन्टेंट बनाओ ना तो उसके बाद रेगुलर बेसिस पे बिल्कुल मन नहीं करता. मैं तो जब अमन के साथ भी कहीं जाती हूँ आई जस्ट अप्लाई लाइक ये फाउंडेशन लगा लिया, लिप एंड चीक टिंट लगा लिया, दैट सेट. में तो काफ़ी बार काजल भी कुछ नहीं इतना लगाती बिकॉज हम कॉन्टेंट क्रिएशन में इतना मेकअप अप्लाई कर लेते हैं ना, तो उसके बाद मन ही नहीं करता कुछ वैसे ओवर करने का. आई लव द फैक्ट इस फाउंडेशन को ज़्यादा सेट करने की जरूरत नहीं पड़ती. ऑल दो मैं गर्मी में लूज़ पाउडर यूज़ कर लेती हूँ. सो मैं हल्का सा लूज़ पाउडर भी यूज़ करने वाली हूँ. गोना यूज़ माई हुडा ब्यूटी का लूज़ पाउडर जो मेरा फेवरेट है, ईजी बेक लूज़ पाउडर. मैंने क्वेश्चन कुछ और स्टार्ट किया था और मैं आंसर नहीं हुआ करने चली गई. बट यार दैट इज़ कशिका. जब भी मैं ऐसे क्यू एन एस ऑर्डर वीडियो बनाती हूँ चिट चैट, तो मेरी चिट चैट कोई अलग ही लेवल पे चली जाती है. सो या वी आर एट अ न्यू होम. और बाय द वे जो स्टूडियो रूम है ना ये वाला, ये बिल्कुल फ्रंट साइड है रोड की. मतलब घर जो मेरे जो रूम्स हैं हमारे अंदर की तरफ है, ये रोड साइड है. तो इस रूम में बहुत ज़्यादा नॉइज़ होगी थोड़ी बहुत ट्रैफिक की. ये वीडियो मुझे टाइम से बनानी थी, अपलोड भी करनी थी, तो इसलिए मैं डे टाइम में शूट कर रही हूँ. बट अब मैं थोड़ा थोड़ा शेड्यूल अपना ऐसा बनाऊँगी कि मुझे ज़्यादा शूट ना करना पड़े डे टाइम में. रात को ही मैं शूट करूँ बिकॉज रात को ऑब्वियसली ट्रैफिक का इतना नहीं होता. उससे जो हॉट क्वेश्चन था उसका मैंने आंसर दे ही दिया है. नेक्स्ट हॉट क्वेश्चन जो पूछा गया है वो है अबाउट माई लेज़र हेयर रिमूवल ट्रीटमेंट. किसने पूछा है लेज़र हेयर रिमूवल ट्रीटमेंट फॉर फेस इज सेफ? आई हैव PCOD एंड आई हैव एक्ने प्रोन स्किन. सो क्या हुआ, लास्ट ईयर मैंने अपना प्री ब्राइडल सॉर्ट ऑफ शुरू किया था. मेरा रोका सेप्टेम्बर में हुआ था एंड अक्टूबर में आई वेंट टू दिस डर्मैट ज्यूरी रजौरी में, जो मेरी बेस्ट फ्रेंड ने मुझे रिकमेंड किया था बिकॉज उसने वहाँ से लेज़र शुरू करा दी थी. सो शी सेड अच्छी डर्मैट एक बार दिखा अपना भी. तो मैंने सबसे पहले उनको फेस ही दिखाया था फॉर माई एक्ने. तो तब से उन्होंने मेरी एक्ने की मेडिसिन एंड ऑल शुरू करी थी. एंड दैट इज़ अ रीज़न वाई कि शादी पे मेरी स्किन इतनी क्लियर थी बिकॉज मैं मेडिसिन पर थी. उन्होंने मुझे ट्रेटनॉन सॉर्ट्रेट दी हुई थी. सॉर्ट्रेट जो मेडिसिन होती है वो ट्रेटनॉन की मेडिसिन होती है, उससे स्किन एकदम ड्राई हो जाती है, एक्ने बिल्कुल नहीं आते, स्किन फ्लॉलेस हो जाती है. बट उसका साइड इफेक्ट भी होता है, वो बहुत ज़्यादा और भी चीज़ों को साइड इफेक्ट देती है. तो मैंने ट्रेटनॉन अब बिल्कुल बंद कर दिया एंड आई थिंक दैट इज़ अ रीज़न वाई कि मैं ब्रेकआउट्स फिर से मुझे हो रहे हैं.
बिकॉज ये दवाइयाँ जब तक खाते रहो तब तक बढ़िया रहता है, एंड जैसे ये दवाइयाँ छोड़ दो उसके बाद फिर दोबारा बुरा हाल हो जाता है फेस का. तो वही सिचुएशन हुई. बट क्या हुआ ना, उस टाइम मुझे लेजर का भी पैकेज लेना था. सो मेरा मन था फुल बॉडी लेने का विद फेस, कि मैं फेस का भी कराया लेती हूँ बिकॉज आई हैव फेशियल हेयर ऑन माई फेस एज वेल. तो जब मैंने उनको दिखाया तब मुझे बहुत ज़्यादा एक्ने थे, एंड शी क्लियरली सेड नो, शी सेड अगर आपको करंटली एक्ने है तो उस पर लेजर नहीं कर सकते, एक्ने वाली स्किन के ऊपर लेजर नहीं वर्क करेगा, पहले आपको एक्ने हील करने पर फोकस करना होगा. सो मेरी जो 5-6 महीने मेडिसिन चली वो एक्ने फेस की चली है. तो मैंने जो उनसे पैकेज लिया था, मैंने फुल बॉडी लिया विदाउट फेस. तो मैं जो भी लेजर ले रही हूँ उसमें हैंड्स, लेग्स, बैक, बिकनी, अंडरआर्म सब कुछ आता है, लेकिन फेस का नहीं आता. अगर आपको लेजर से रिलेटेड कोई भी डाउट है, क्वेश्चन है, तो प्लीज़ नीचे पूछो. मैं नेक्स्ट टाइम जब वीडियो बनाऊंगी मैं आपके क्वेश्चंस भी कंसीडर कर लूँगी. बट योर आंसर इज़ मैंने फेस का लेज़र नहीं कराया है. सो मैं ज़्यादा नहीं बता सकती. मैंने थोड़े बहुत शॉर्ट्स लगवाए थे यहाँ पर, कॉम्प्लीमेंट्री है. मैंने उनको बोला था कि एक बार मुझे करके दिखाओ, बिकॉज यहाँ और यहाँ चिन पर मुझे काफ़ी 2-3 बड़े बड़े बाल आते हैं जो PCOD में होता है. PCOD में काफ़ी बार जब प्लग कर लोगे ना, आपको यहाँ पे 2-3 थिक एकदम मेल हेयर जैसे होते ना बियर्ड वाले, वैसे वाले बाल आते हैं. तो मैंने उसके ऊपर लेज़र करा के देखी है, एंड इट काइंड ऑफ वर्क. मतलब वो वाली जो हेयर ग्रोथ है मेरी बहुत कम हो गई है, तो वो कहीं ना कहीं वर्क करी है. बट ओवरऑल मैंने फेस की नहीं कराई है तो मैं इतना कमेंट नहीं कर सकती. वैसे भी जिनसे मैं लेज़र कराती हूँ जो स्टाफ है, उन्होंने मुझे बताया था कि ये वाले, उन्होंने मेरे बाल देखे थे. मैंने उनसे पूछा था कि मैं फेस का लेज़र कराऊँ, शी सेड कोई फ़ायदा नहीं है बिकॉज इतनी फाइन और जो थिन हेयर ग्रोथ होती है ना उस पर लेज़र कराने का फ़ायदा नहीं, लेज़र का रिजल्ट नहीं आएगा. इससे अच्छा आप रेगुलर जो एपिलेटर यूज़ करते हो या फिर जो फेशियल रेजर यूज़ करते हो वो यूज़ करके क्लियर कर लो. लेज़र इतना कराने की नीड नहीं है, बट बॉडी पर बहुत ज़्यादा बाल आते हैं तो उसके लिए ऑब्वियसली लेज़र की नीड होती है. सो या दैट इज़ योर क्वेश्चन. मैंने फेस का नहीं कराया तो मैं उसका नहीं दे सकती, बट बॉडी का मैंने कराया, उसका मैं पूरा रिजल्ट अपनी उस वीडियो में बताऊंगी जो मैं लेज़र के लिए डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगी. उसमें सब कुछ बताने वाली हूँ बिकॉज लोगों को बहुत बड़ी एक शंका है, या क्या बोलूँ, मतलब मिथ है, या फिर लोग बहुत ज़्यादा पागल बन रहे हैं आजकल. एड्स भी आजकल कुछ ऐसे ही आते हैं कि मैंने एक लेज़र का सेशन या मैं हेयर फ्री हो गई. ऐसा नहीं होता, मतलब लेज़र करा के भी हेयर फ्री आप नहीं होते, बहुत बड़ा मिथ है. तो मैं आपका क्लियर कर दूंगी उस वीडियो में, बिकॉज ये लेज़र हेयर रिडक्शन है, लेज़र हेयर रिमूवल नहीं है. लेज़र से आपके हेयर रिड्यूस होते हैं, हटते नहीं हैं, ये मिथ है. तो हल्के फुल्के जो हेयर ग्रोथ है वो लाइफ लॉन्ग आती ही रहती है, तो ये चीज़ मैं आपको क्लियर आउट कर देती हूँ. बट एज अ प्री ब्राइडल आप करा सकते हो, बिकॉज रेगुलर वैक्सिंग शेविंग से तो बेटर ही मुझे लेज़र लगता है. मेरे बम्स काफ़ी हील हो गए हैं, मेरे लेग्स पे जितने भी निशान थे ना रेज़र मारने की वजह से वो हील हो गए हैं. सो डेफिनेटली इन दैट केस इट वर्क्स. बट पूरा जब बताऊंगी तो वीडियो बनाऊंगी, बिकॉज इस वीडियो में फिर बहुत लंबा हो जाएगा. सो या मूविंग ऑन टू द ब्लश पार्ट, मैं यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का क्रीम एंड टिंट फ्रूटी फिग. ये शेड है आज मुझे काफ़ी प्यारा लगता है, बड़ा प्यारा पिंकिश सा शेड है इसका. और यहाँ गर्मी में रखा हुआ था तो ये काफ़ी ज़्यादा ऐसे वाटरी हो गया है, थोड़ा सा इनको AC वाले रूम्स में ही रखना चाहिए. ओके तो मैं हाथ से यूज़ कर लूँगी. लव क्रीमी टिंट, मतलब बहुत अच्छा एक लुक आता है इसको यूज़ करके. लुक एट दिस, यहाँ का ग्लो देखो, यहाँ का ग्लो देखो. लिप एंड चीक टिंट यूज़ करने का ये फ़ायदा होता है, नॉर्मल पाउडर वाले ब्लशेस होते हैं ना, एक तो वो उड़ बहुत जल्दी जाते हैं, प्लस वो एक ग्लॉसीनेस नहीं देते. इससे एक बहुत अच्छी ग्लॉसीनेस आती है, लाइक व्हेन यू स्माइल यू सी दैट नाइस ग्लॉसीनेस. समवन हैज आस्क्ड एनी मेजर चेंज आफ्टर मैरिज दैट यू वरंट ट्रूली प्रिपेयर्ड फॉर, मतलब कुछ ऐसा मेजर चेंज आया जो आप प्रिपेयर्ड नहीं थे. काफ़ी चेंजेस आए हैं ऑनेस्टली, अब हर चीज़ को बताने वाली नहीं होती बिकॉज ऑब्वियसली फॉर प्राइवेट रीजंस एज वेल. आप देखोगे मैं इतना रेगुलर फैमिली ब्लॉग्स या कुछ भी नहीं बनाती, मेरे ब्लॉग्स में आप मुझे ही देखोगे बिकॉज आई रियली फील कुछ कुछ चीज़ें प्राइवेट एंड पर्सनल ही होनी चाहिए. माय पार्टनर इज़ ऑल्सो नॉट कम्फर्टेबल टू बी ऑन कैमरा, इज़ वेरी क्लियर कि मेरी ज़्यादा स्टोरीज नॉट मत बनाएगा बिकॉज इज़ नॉट समवन हू लाइक क्लिकिंग पिक्चर्स और गेटिंग इन ब्लॉग्स. कुछ कुछ लोग होते हैं जो ओवर एक्साइटेड होते हैं, जिनको मज़ा आता है ब्लॉगिंग करने में, ब्लॉग्स का पार्ट होने में. बट उसके बाद ऐसा नहीं है, ही लाइक्स टू मेंटेन हिज प्राइवेसी. बट apart from that, yeah, there are a lot of changes because पहले तो देखो when it comes to love marriage everything is very goody goody happy but yeah once the whole responsibility starts कि आपकी शादी हो जाती है, आपकी एक न्यू लाइफ शुरू होती है, यू गेट द रिस्पॉन्सिबिलिटी. योर हस्बैंड गोज टू वर्क, पति तो उसका काम पर चला जाता है, उसके बाद यू रियली हैव टू फेस द हाउस रिस्पॉन्सिबिलिटीज. तो काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अब आ चुकी हैं. लाइक आज का एग्जाम्पल ले लो, पहले जब मैं अपने घर पर थी मैं अपना खाती थी पीती थी मस्त नाश्ता, लाइक ब्रेकफास्ट किया, लंच किया, फटाफट से ऊपर भाग जाती थी, शूट करती थी अपने स्टूडियो रूम में. मेरे घर पे थर्ड फ्लोर पे था स्टूडियो रूम, पूरे पूरे दिन मैं शूट करती थी, शाम को मैं नीचे आती थी, मस्त कॉफ़ी पीती थी, डिनर करती थी, एंड दैट्स इट. बिकॉज मेरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी कोई खाना बनाने की, हाउस हैंडल करने की. बट नाउ आई हैव अ लिटिल रिस्पॉन्सिबिलिटी. अब बेड आई है, वो पूरी क्लीनिंग एंड ऑल करके गई है, उसके बाद मैं बैठी हूँ बिकॉज अब तक नेट थी, मैं ऐसे शूट नहीं कर सकती. आई रियली हैव टू लुक
आफ्टर एवरीथिंग. सो यार थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं बट आनी भी चाहिए. ऐसे नहीं है कि आप जिंदगी भर ऐसे रिस्पॉन्सिबल बन के घूमते रहोगे. लाइफ इज़ ऑल अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटीज. अब मैं फाइनली मुझे वॉशिंग मशीन चलानी आ गई है. मैं कपड़े धोती हूँ, उसको सुखाती हूँ, फिर उनको फोल्ड करना, अलमीरा में ऑर्गेनाइज करना, हस्बैंड के कपड़े सारे ऑर्गेनाइज करना. स्टिल रिमेंबर जब मैंने फर्स्ट टाइम टॉयलेट क्लीन किया था मुझे कितनी मतलब बड़ा अजीब सी फीलिंग आई थी. बट नाउ आई एम कम्फर्टेबल. अब मैं हर हफ्ते मस्त हारपेट डाल के पॉट साफ कर रही होती बिकॉज दैट इज़ अबाउट हाइजीन. अब मुझे लगता है कि हाइजीन कितनी ज़रूरी है. मैं एक एक चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखती हूँ एंड नाउ आई हैव कंट्रोल ओवर लॉट ऑफ थिंग्स. मैं पहले वही डिपेंडेंट थी, मेरी फैमिली पर डिपेंडेंट थी. मेरी मम्मी हाउस रन करती थी, मम्मी मेरा सारा काम करती थी. सो मैं डिपेंडेंट थी, मैं वेट करती थी, कुछ कपड़ा चाहिए होता था धुलवाती थी. अब मैं वेट नहीं करती, मैं हर चीज़ को अपने हिसाब से अलाइन करके चलती हूँ, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके चलती हूँ. सो या अब कहीं ना कहीं जब आप चार्ज लेते हो तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आती है बट एक अच्छी फीलिंग आती है कि ओ माई गॉड आई डिड इट. फर्स्ट टाइम जब कपड़े वॉशिंग मशीन चलाए, कपड़े सुखाए, बड़ा प्राउड फील हुआ कि ओ माई गॉड मैंने क्या ही कर लिया है. देन नेक्स्ट किसी ने पूछा क्यूरियस टू नो अमन फैमिलीज रिएक्शन टू योर करियर एज अ कॉन्टेंट क्रिएटर. दे ऑलरेडी न्यू बिकॉज अगेन लव मैरिज है, उनको सब कुछ पता था. एवरी थिंग इज क्रिस्टल क्लियर एंड आई लव द फैक्ट दैट माई हस्बैंड इज वेरी सपोर्टिव. मतलब ये जो फील्ड है ना, इस फील्ड के लिए पुश ही मेरे हस्बैंड ने किया. अमन वॉज ऑलवेज द वन वॉज स्टैंडिंग बाय मी. आई रिमेंबर जब कॉलेज के जस्ट बाद प्लेसमेंट सबकी हो गई थी, सबने अपनी अपनी कंपनी ज्वाइन कर ली थी. मेरी मार्केटिंग में एक जॉब लगी थी, मैंने भी वो ज्वाइन करी थी एंड लिटरली वन वीक इन टू दैट जॉब आई वॉज क्राइंग. आई रिमेंबर मैं वहाँ से निकली, मैंने अमन को कॉल किया, आई वॉन्ट टू मीट यू और मैं रो रही हूँ. मैं मतलब ऐसे थी यार मेरे से नहीं हो रहा, मैं बैठ नहीं पा रही बिकॉज नई नई जॉब में देखो सबके साथ होता है. ये एक चीज़ मैं बोल सकती हूँ लाइफ की जो मैं कहीं ना कहीं हार गई कि मैंने जॉब को इनफ टाइम नहीं दिया, मैंने बहुत जल्दी क्विट कर दिया. बट या उसके बाद जो हुआ तो कहीं ना कहीं अच्छा ही हुआ. मैं इस फील्ड में आई, बहुत अच्छी चीज़ें मिली, वर्कआउट करी. बट आई थिंक मुझे जॉब और टाइम के लिए करनी चाहिए थी फॉर अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंस. तो वो मेरे लिए काइंड ऑफ एक क्विटर वाली सिचुएशन थी. बट उस सिचुएशन में भी अमन वॉज अ वन वॉज वेरी सपोर्टिव. मतलब वॉज लाइक कोई नहीं छोड़ दे, कोई नहीं तू कॉन्टेंट क्रिएशन कर. आई रिमेंबर मेरा जो फर्स्ट कैमरा था कैनन G7X Mark II जो अभी मैं यूज़ करती हूँ फॉर व्लॉगिंग, वो मुझे अमन ने ही गिफ्ट किया था. ही वॉज अ वन हु ऑलवेज पुश्ड मी कि और अच्छा क्वालिटी कॉन्टेंट बना. अभी वो मुझे इंस्टाग्राम पर कुछ भी रील्स कुछ भी दिखती है मुझे भेजता है, मुझे दिखाता है ऐसे क्यों नहीं बनाती, ऐसे क्यों नहीं बनाती, तेरी ग्रोथ स्टक है, तू ऐसे क्यों नहीं करती. ही इज़ द वन हु ऑलवेज पुशेज मी. सो ही हैज़ बीन ट्रांसपेरेंट विद मी एंड हिज फैमिली एज वेल कि इसका ये करियर है, इसका ये सीरियस करियर है. ही इज़ शी इज़ वेरी सीरियस अबाउट इट. सो माई इन लॉज रियली लाइक दे आर वेरी कोऑपरेटिव, दे आर वेरी सपोर्टिव ऑफ दिस फैक्ट कि हाँ ये भी एक सीरियस करियर है जो उनको अब दिखता है. लोगों को दूर से लगता है कि यार टाइम पास है, कैमरा लिया शूट करने बैठ गए, क्या हो गया, तो टाइम पास टाइप की फील्ड है. बट ऐसा नहीं होता. जब आप बैक एंड की रियलिटी देखते हो ना, मैं जब घर में इनवॉइसेस बनाती हूँ, मेरे डिस्कशन चलते हैं, कॉल्स होती हैं, गूगल मीट्स होती हैं, वीडियो कॉल्स होती हैं, कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, ये पूरा एक टेक्निकल स्टाफ जो बैकग्राउंड पे होता ना वो आपको कैमरे पर नहीं पता चलता. सो ये फील्ड अब कोई टाइम पास वाली फील्ड नहीं रही, इट्स अ प्रॉपर जॉब सॉर्ट ऑफ थिंग. ये कहीं ना कहीं बिजनेस वर्क भी आप बोल सकते हो. मूव ऑन टू यूट्यूब Q&A. मैंने इंस्टाग्राम पे तो मैक्सिमम क्वेश्चन आंसर कर दिए, रिपीटेटिव थे. अब जरा यूट्यूब पर चलते हैं. उससे पहले ज़रा लिपस्टिक लगा लेते हैं बिकॉज ऑलमोस्ट मेकअप करने के बाद जब लिपस्टिक ना लगाओ ना बड़ा अजीब लगता है. आई थिंक आई अप्लाई काजल एज वेल बिकॉज एवरी डे थोड़ी सी फंकी लुक कर रहे हैं. सो मैं इन नायका का कलर वाला काजल यूज़ कर रही हूँ. मैं रिसेंटली एक नायका के साथ रील डाली थी, बहुत प्यारा ब्लू कलर है. मतलब इट्स लाइक दैट ब्राइट ब्लू सा कलर. इसका शेड नेम है ब्लू हेक्स. कोई भी डल सी लुक होती है ना अच्छा लगता है. और मैं ज़्यादातर डेनिम्स ही पहनती हूँ, जीन्स डेनिम्स जो ब्लू टोन की होती हैं, तो ये कलर काफ़ी अच्छे से जाएगा. जस्ट कितना डिफरेंस आ गया ना, ये वाली आईज और ये वाली आईज. आई शेडो कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है, खाली एक काजल भी लगा लो ना एकदम पॉप करता है बिकॉज समर्स में ऐसे पॉपिंग कलर्स ही चलते हैं. आईज एकदम ट्रांसफॉर्म हो गई हैं. मैं ज़्यादा प्रो भी नहीं हूँ, मैंने खाली एक थिक लाइन बना ली, दैट्स इट. कोई विंग नहीं, कोई स्मच नहीं करने वाली. इसको हल्का फुल्का स्मच भी कर सकते हो, अगर उसी टाइम फिंगर से स्मच कर दोगे ना तो एक सॉफ्ट स्मोकी जैसा लुक आता है. वो नहीं करने वाली, जस्ट काजल सॉर्ट ऑफ लुक. और फिर मैं यूज़ कर रही हूँ मनीष मल्होत्रा की लिपस्टिक जो आजकल मेरी फेवरेट है. दिस इज़ ब्लश रोज, बड़ा प्यारा कलर है. मतलब ये ऑलमोस्ट जो मैक की मेहर आती है ना उसका क्लोजर सॉर्ट ऑफ ड्यूब आप बोल सकते हो, बट बहुत प्यारा है, वेरी कम्फर्टेबल ऑन लिप्स. How this shade blush rose looks like, इसका भी लिंक मैं नीचे दे दूंगी. लव दिस वन, काफ़ी म्यूटेड एवरीडे सॉर्ट ऑफ लिप शेड है. और जब भी ऐसे ब्राइट आईज पे कुछ लगाओ ना, लाइक कुछ ब्राइट पॉपिंग लाइनर लगाया होता है, तो लिपस्टिक हमेशा म्यूटेड होनी चाहिए, अदरवाइज बहुत लाउड हो जाता है. ओके, लेट्स
मूव ऑन टू यूट्यूब के क्वेश्चन. मैंने कम्युनिटी टैब पर भी डाला था तो काफ़ी सारे क्वेश्चन आए हैं. सबसे पहला जो आया है वो तो प्रॉपर उन्होंने चार क्वेश्चन पूछे हैं. सबसे पहले उन्होंने पूछा है योर लास्ट स्टोरी, वेयर एंड वाई यू हैव शिफ्टेड, हाउ इज मैरिड लाइफ एंड करियर गोइंग ऑन, एनी एडवाइस फॉर अस ऑन इट, योर करंट स्किन केयर रूटीन एज अ स्किन इज ग्लोइंग अलॉट नाउ डेज. ओके, तो सबसे पहले लव स्टोरी वाला पार्ट हो गया जिसके काफ़ी डीएम्स आए थे, टेल अस योर लव स्टोरी. देखूंगी यार, आई एम रियली नॉट श्योर बिकॉज आजकल जितना भी ये सोशल मीडिया पर मैं देख रही हूँ ना, हर कोई सेपरेट हो रहा है. लाइक आजकल तो ऐसा लग रहा है ट्रेंड बन गया कि लोग इंस्टाग्राम पोस्ट पर डालते हैं वी आर सेपरेटिंग, हम अलग हो रहे हैं. एंड मुझे देख के ऐसा हो जाता है ओ माई गॉड, किसी की मतलब रिसेंटली जो मैंने देखा वो 10 साल की शादी थी जो जिसमें सेपरेट हुए हैं. सो वेन एवर आई सी सच थिंग आई फील लाइक यार अपनी लव स्टोरी को थोड़ा प्राइवेट ही रखना चाहिए, बिकॉज आप इतना पब्लिक लेवल पर चले जाते हो ना और फिर आप ये सब डालते हो कि हम सेपरेट हो रहे हैं विदाउट गिविंग एनी सॉलिड रीजन. बिकॉज जब आपका अच्छा वक्त था, जब आप प्यार में थे, आप हर चीज़ शो करते थे, आप हर चीज़ प्लेटफॉर्म पर डालते थे. लाइक लोग कपल के ब्लॉग्स बनाते थे, कपल के पोस्ट बनाते थे, हर चीज़ पोस्ट करते थे. बट वंस यू आर सेपरेटेड यू आर लाइक साइलेंट, यू आर शट, यू डोंट से एनीथिंग अबाउट योर पर्सनल लाइफ कि क्या हुआ, रीज़न क्या था. और फिर ऑडियंस ऐसे आ जाती है कि क्या हुआ क्या हुआ. और जब ऐसी क्यूरियोसिटी क्रिएट होती है ना, फिर वहाँ से गॉसिप क्रिएट होती है, फिर वो गॉसिप वाले प्लेटफॉर्म्स पर चीज़ें जाती हैं. वहाँ पर हर कोई एज्यूम करता है कि अच्छा इसके साथ ऐसा हुआ होगा, इसलिए ऐसा हो गया. तो जितना भी आजकल सेपरेटिंग वाला सिनेरियो चल रहा है ना, ये देख देख के मैं डर गई हूँ. एंड आई फील है कि मैं तो शायद अब ये लव स्टोरी वाली चीज़ नहीं करने वाली, बिकॉज अब जितना पब्लिक प्लेटफॉर्म पर ओपन अप हो जाते हैं ना, यू आर लाइक आप फिर एक एक्सपेक्टेशन होती है, कभी भी कुछ भी अप एंड डाउन होता है तो आपको आंसर देना पड़ता है. सो या मुझे ये चीज़ें देख के थोड़ा सा डर लगता है. सो आई थिंक अब लव स्टोरी वाला पार्ट तो मैं स्किप करने वाली हूँ. आई वुड जस्ट से ही इज़ अ सिख, आई एम अ हिंदू पर्सन, वी मेट इन अ कॉलेज, वी आर बेस्ट फ्रेंड्स, वी आर बेस्टीज, देन वी फेल इन लव, ही प्रपोज्ड मी, आई सेड येस, एंड आफ्टर इयर्स एंड इयर्स ऑफ स्ट्रगल एंड अप्स एंड डाउन्स इन लाइफ वी आर मैरिड. सो ये दो सेकेंड नहीं, मतलब 10-15 सेकेंड की लव स्टोरी जितना मैं बता सकती हूँ, दैट्स इट. इससे ज़्यादा तो नहीं मैं इतना पब्लिकली जाने वाली, बिकॉज फिर डर लगता है यार, बड़ी आजकल नज़र वजर लग जाती है. ओके, देन वाई एम वेयर यू आर शिफ्टेड, इसका मैंने आंसर दे ही दिया था. हाउस मैरिड लाइफ एंड करियर गोइंग, एन एडवाइस फॉर अस ऑन इट. मैरिड लाइफ ठीक चल रही है, करियर भी ठीक ठाक चल रहा है. करियर थोड़ा सा बैक सीट ले लेता है बिकॉज आपकी लाइफ में जैसे जैसे थोड़ी सी अलग प्रायोरिटीज़ आती हैं, आपका काम थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाता है. एंड आई थिंक वेन इट कम्स टू वुमन की एक्सपेक्टेशन भी होती है कि यार अब वुमन की फर्स्ट प्रायोरिटी उसका हस्बैंड होना चाहिए, फ्यूचर में चिल्ड्रन होने चाहिए, विच इज़ लाइक क्या बोलूँ यार, इंडिया है तो एक्सपेक्टेशन तो रहती है. बट या आई एम मैनेजिंग टिल नाउ रियली वेल विद द सपोर्ट ऑफ माई हस्बैंड, विद द सपोर्ट ऑफ माई इन-लॉज. मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं कॉन्टेंट भी साथ साथ बनाती जाऊँ, आपको अच्छा अच्छा कॉन्टेंट दूँ. ज़्यादा रेगुलर नहीं कर पाती बट या आई ट्राई एम बेस्ट कि मैं थोड़ा सा अब रेगुलर हो जाऊँ. सो कॉन्टेंट वाइज भी चीज़ें ठीक चल रही हैं. स्किन केयर रूटीन मैंने अपने इंस्टाग्राम यूट्यूब शॉर्ट्स पर डाला है, आप प्लीज़ जाओ अभी मेरी यूट्यूब शॉर्ट्स चेक करो. जो मैंने रिसेंटली 3rd या 4th शॉर्ट्स होगा टॉप से, मैंने उसको पूरा अपना डे टाइम का स्किन केयर रूटीन दिखाया, डे टाइम नहीं नाइट टाइम का स्किन केयर रूटीन दिखाया है. और जो डे टाइम का है वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, उसकी मैं शॉर्ट्स डाल दूंगी जल्दी. दैट इज़ लाइक अ नॉन स्पॉन्सर्ड स्किन केयर रूटीन जो मैं आजकल फॉलो कर रही हूँ, सो वो आप देख सकते हो. अदरवाइज आई की चेंजिंग प्रोडक्ट्स बिकॉज मुझे रिव्यू करना होता है, तो रिव्यू पर्पज के लिए भी मुझे प्रोडक्ट्स ट्राई करने होते हैं, एक बार टेस्ट करके देखना होता है. काफ़ी बार मुझे महीने महीने के लिए उनको टेस्ट करके देखना होता है बिकॉज एक मंथ का पूरा एक बताना होता है कि यार रिजल्ट रहा. सो या वो तो आपको अलग अलग मेरे फॉर्मेट से पता चल ही जाएगा मैं आजकल क्या क्या यूज़ कर रही हूँ. बट अगर नॉन स्पॉन्सर्ड रूटीन देखना है तो वो मैंने शॉर्ट्स में डाला हुआ है, वो आप देख सकते हो. नेक्स्ट किसी ने पूछा है व्हाट प्री ब्राइडल डर्मा ट्रीटमेंट्स डिड यू गो फॉर इन प्लेस ऑफ पार्लर ब्राइडल फेशियल्स. बेसिकली आर सेम स्किन एज योर्स, पार्लर फेशियल डोंट सूट मी, वांटेड टू नो ऑल द थिंग्स यू डिड फॉर द स्पेशल ब्राइडल ग्लो. सो यू आर राइट, मैंने वो पार्लर वाले फेशियल नहीं कराए थे जो वो गोल्ड डायमंड फ्रूट पता नहीं कौन कौन से फेशियल करते हैं, बिकॉज उसमें स्क्रब यूज़ किया जाता है और जब वो स्क्रब रगड़ा जाता है ना स्किन पर, बहुत ज़्यादा मेरे एक्ने एग्रीवेट हो जाते हैं, स्किन और रेड हो जाती है. और वो कहीं ना कहीं ना लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट नहीं देता, वो सूट भी नहीं करता और लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट भी देता. तो उससे बेटर मैंने क्लिनिकल ट्रीटमेंट कराई थी. तो जिस डर्मैट के पास मैं जा रही हूँ फॉर माय बॉडी लेजर्स, ज्यूरी रजौरी में जो है, उन्हीं से ही मैंने 2 क्लिनिकल ट्रीटमेंट ली थी. एक मैंने ली थी जनवरी के 1st वीक में जो थी क्लियर लिफ्ट. क्लियर लिफ्ट में वो बेसिकली लेजर करते हैं आपके फेस के ऊपर जो स्किन को टाइट बनाता है, फॉर्म बनाता है, जो भी पिगमेंटेशन होती है, जो स्कारिंग होती है उसको थोड़ा सा और ठीक
ठीक करने की कोशिश करता है. ऑब्वियसली एक सेटिंग में नहीं रिजल्ट आएगा, आपको उसकी मल्टीपल सेटिंग लेनी होती है. मैं 2-3 महीने बाद दोबारा एक क्लियर लिफ्ट लेने वाली हूँ, जो आप ले सकते हो. आप 2-3 महीने गैप में ऐसे मल्टीपल ले सकते हो. बट शादी से 4 दिन पहले जो मैंने लिया था वो था मेडी फेशियल प्रो, जो बेसिकली एक हाइड्रा फेशियल और उसके अंदर एक कुछ और एक ट्रीटमेंट वो यूज़ करते हैं, उसका एक मिक्स होता है मेडी फेशियल और हाइड्रा फेशियल का. मतलब उसमें एक पील यूज़ किया जाता है और हाइड्रा फेशियल होता है. तो सबसे पहले उन्होंने हाइड्रा फेशियल सॉर्ट ऑफ किया था, फिर कुछ आइस बॉल वगैरह लगाई, उसके बाद उन्होंने एक पील लगा के थोड़ी देर छोड़ दिया था, फिर मसाज दी थी. तो काफ़ी रिलैक्सिंग था, मतलब वो फेशियल इतना रिलैक्सिंग था ना, वैसे म्यूज़िक लगा देते हैं, पूरा डार्क कर देते हैं, अच्छे से स्किन को एक मसाज देते हैं, तो काफ़ी रिलैक्सिंग फील होता है. उससे काफ़ी अच्छा फ़र्क पड़ा है. मतलब मेडी फेशियल प्रो मेरा बहुत अच्छा रिजल्ट मिला था, मेरी स्किन ग्लो कर रही थी और इसका डाउन टाइम नहीं होता. डाउन टाइम मतलब कोई भी इसका साइड इफेक्ट नहीं होता. ऐसा नहीं होता कि आपको 2-3 वीक तक रेडनेस रहती है या आपको वेट करना पड़ता है. या आप अपने कोई भी ओकेशन से 3 या 4 दिन पहले करा सकते हो. मैंने सगन से 2 दिन पहले कराया था, फर्स्ट टाइम कराया, एंड कुछ भी ऐसा हार्ड रिएक्शन नहीं आया. इनफैक्ट मेरी स्किन अच्छे से क्लीन हो गई थी, जो भी ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स थे वो सारे निकल गए थे. सो डेफिनेटली दीज ट्रीटमेंट्स वर्क. तो अगर आपकी शादी है ना, आई वुड से ये रेगुलर पार्लर जाने से अच्छा कोई अच्छे डर्मेट पे जाओ, अच्छे क्लिनिक पे जाओ और ब्राइडल वाला फेशियल ले लो. ऐसे क्लिनिक्स पे ना प्री ब्राइडल आपको पैकेजेस मिल जाते हैं, जिसमें आपको बॉडी का देते हैं, फेस का पील देते हैं या फेस का ऐसे हाइड्रा फेशियल्स अनाउंस देते हैं. ये ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देते हैं, सो ऑलवेज गो फॉर दीज. नेक्स्ट किसी ने पूछा, एनी चेंज इन यू एंड जीजू एज अ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड विच चेंज्ड आफ्टर बिकमिंग हस्बैंड एंड वाइफ. ओके, आई थिंक या काफ़ी चेंजेस आए हैं. वी आर लाइक बिट मेच्योर देन अर्लियर. पहले तो हम मस्त अपना कभी कभी मिलते थे, मॉल जाते थे, डेट्स पे जाते थे, दैट्स इट. बट अब तो जब साथ रहते हैं तो बहुत चीज़ें पता चलती हैं, एक दूसरे की और भी बहुत सारी रेगुलर वाली गुड एंड हैबिट्स पता चलती हैं. सो यार धीरे धीरे हम अकोमोडेट कर रहे हैं, हम थोड़ी सी कोशिश कर रहे हैं कि हम एक पज़ल की तरह एकदम मिल के रह सकें, कि कुछ ना कुछ मेरे में कमी होती है वो पूरा करता है, जो उसमें कमी होती है मैं पूरा करती हूँ. सो एक ताकि ज़िंदगी गाड़ी एकदम सीधी चल पाए. तो या बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने कहीं ना कहीं चेंज देखा है, अपने आप में भी, उसमें भी देखा है, एंड फॉर गुड देखा है. ऐसा नहीं है कि हम बदल गए हैं या मैं बिल्कुल चेंज हो गई वो बिल्कुल चेंज हो गया. नहीं, एज अ पर्सन एज अ ह्यूमन वी बोथ आर वेरी वेरी सेम. मेरी वही आदत है टोका टाकी करने की, मेरी वही आदत है हर चीज़ का परफेक्ट होना चाहिए, हर चीज़ ऑर्गेनाइज होनी चाहिए. ही इज़ समवन हू इज़ अ केयर फ्री पर्सन हू लाइक बेड पे खाना बेड पे गिर गया एंड आई फाइट अ लॉट. मतलब मुझे पसंद नहीं है ऐसे बेड पे चूरा चूरा गिरा होता है या फिर बेड पे खाना. सो ये चीज़ें हमारी चलती रहती हैं, इस तरह तो कुछ चेंजेस हैं नहीं, ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है. आपको एकदम परफेक्ट तो मिलेगा नहीं कभी भी. कहते हैं ना ऑपोजिट, हमेशा कहते हैं ऑपोजिट अट्रैक्ट्स, बिकॉज यही होता है, ऑपोजिट ही अट्रैक्ट करते हैं, सेम कभी अट्रैक्ट नहीं करते. किसी ने पूछा है व्हेन यू जॉइन बैक योर कोर्स. मैंने कोर्स ज्वाइन कर लिया था बट अगेन उसके बीच में शिफ्टिंग आ गई, तो मेरा फिर से वो गैप आ गया. तो मैं कल अकेडमी गई थी बात करने, बिकॉज ऑब्वियसली उनकी साइड से भी हो रहा है कि आप क्या कर रहे हो, आप आ रहे हो जा रहे हो आ रहे हो जा रहे हो. तो अब मैं ट्राई करूंगी कि मैं संडे टू संडे या फिर कैसे भी करके क्लासेस खत्म करूँ, बिकॉज मेरा एडवांस का कोर्स बचा हुआ है. जिन लोगों को नहीं पता मैं बता देती हूँ, आई एम डूइंग डिप्लोमा इन प्रोफेशनल मेकअप. इट्स लाइक अ डिप्लोमा कोर्स फ्रॉम ओरेन. ओरेन इज एन इंटरनेशनल अकेडमी, कैनेडियन इंस्टीट्यूट जो है. तो वहाँ से मैंने इनरोल किया था. मेरा बेसिक खत्म हो गया है लेकिन मेरा एडवांस अभी बचा है. सो एडवांस मैं कोशिश करूँगी जल्दी से जल्दी करके खत्म करूँ, सो दैट आई गेट माई सर्टिफिकेशन एंड देन आई कैन स्टार्ट माई मेकअप आर्टिस्ट जर्नी एज वेल. मेरा जो फ्यूचर गोल है इन टर्म्स ऑफ करियर एज वेल, मैं थोड़ा सा मेकअप आर्टिस्ट लाइन में भी जाना चाहती हूँ. आई वॉन्ट टू स्टार्ट इन फ्री लांसिंग, थोड़ा बहुत घर से कर लिया, फ्री लांसिंग कर ली ऐसी लाइक एज अ फाइनेंशियल डिसीजन एज वेल, कि कहीं ना कहीं और एक अच्छे अर्निंग मीडियम खुल जाए, थोड़ा सा बाहर निकलने को मिले, थोड़ा सा एक्सप्लोर करने को मिले. बिकॉज मेरा जो अभी कॉन्टेंट क्रिएशन का है वो ठीक चल रहा है, बट एज अ डिफरेंट करियर एज वेल मैं एक्सप्लोर करना चाहती हूँ. दैट इज इट. माई क्यू एन ए ऑन यूट्यूब आर ऑल्सो ओवर एंड माई मेकअप लुक इज ऑल्सो ओवर. दिस इज अ काइंड ऑफ मेकअप लुक दैट आई लाइक टू डू ऑन एवरी डे बेसिस. मतलब ऐसे नहीं है एवरी डे घर पर बैठ के नहीं करके नहीं घूमती, बट कहीं बाहर जाना होता है तो मैं यही प्रेफर करती हूँ. फटाफट से प्राइमर लगाया, फाउंडेशन उसको सेट कर लिया, लिप एंड चीक टिंट, आई लाइनर लगा लिया पॉपिंग सा, बिकॉज आई शेडो नहीं करती मैं, और एक सटल सी लिपस्टिक, दैट्स इट. ये है मेरी एवरीडे सॉर्ट ऑफ लुक. इसमें आप सनस्क्रीन और ऐड कर सकते हो. इन सबके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, और जो ये डोमाको के प्रोडक्ट्स हैं इसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट. इसके अलावा डू लेट मी नो, आई एम प्लानिंग माई कॉन्टेंट नाउ. तो अगर आपके पास कोई भी आइडिया हो या फिर शॉर्ट रिव्यूज़ के फॉर्म में या फिर लॉन्ग फॉर्म में कुछ भी आपको बताना हो कि मुझे ऐसा कंटेंट बनाना चाहिए, प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना. आई विल कंसिडर योर ओपिनियन एज वेल. अभी मुझे थोड़े से आइडियाज़ की ज़रूरत है, बिकॉज मेरा जितना ही प्री प्लान कंटेंट था शादी से रिलेटेड मैं वो काफ़ी सारा अपलोड कर चुकी हूँ. सो कोई भी आपके यहाँ फ्रेश आइडिया है प्लीज़ मुझे बताओ, मैं ज़रूर उसको कंसिडर करूँगी. और अगर आपको मेरे कशी क्विक रिव्यूज़ देखने हैं, जो मैं शॉर्ट्स पे करती हूँ, इंस्टाग्राम रील्स पे करती हूँ, उसके लिए भी बताओ कौन सा प्रोडक्ट का मैं रिव्यू करूँ, वो भी मैं डेफिनेटली लेके आऊँगी. एंड दैट इज़ टुडेज़ वीडियो. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय बाय.